हेलो फ्रेंड्स, सुनीता मोहन्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम काजू से काजू रोल बनाएंगे। मैंने ये रेसिपी फर्स्ट टाइम ट्राई किया और यह बहुत ही अच्छा बना, तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाते हैं। जिस तरह का हम मिक्सचर काजू कतली या फिर काजू की दूसरी मिठाई बनाने के लिए तैयार करते हैं, सेम उसी तरह का हम मिक्सर तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन गरम करेंगे। पैन में हम करीब एक कप पानी, हाफ टी स्पून घी और स्वाद के अनुसार चीनी डालकर इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। हीट को हम मीडियम कर देंगे और इसे हम उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। चाशनी में उबाल आ गया है, अब हम इसे इसी तरह से एक तार होने तक पकाएंगे। चाशनी में एक तार बनना शुरू हो गया है, अब हम इसमें पिसा हुआ काजू पाउडर डालकर इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इसी तरह से लगातार चलाते हुए हम इसे गाढ़ा होने तक पका लेंगे। मिक्सचर जो है हमें एकदम चिकना चाहिए, इसमें एक भी लम्स नहीं होना चाहिए, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे। ये देखिए मिक्सर जो है वो थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है और पैन भी छोड़ने लगा है। अब हम हीट को ऑफ कर देंगे। काजू का जो मिक्सर है वो ठंडा होने के बाद जल्दी से ड्राई होने लगता है, तो हम यह प्रक्रिया जो है वो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। काजू के मिक्सर को हम दो भाग में बांट लेंगे। एक बोर्ड पर मैंने प्लास्टिक रैप को अच्छे से बिछा दिया है और इसके ऊपर काजू का पेस्ट को मैंने रखा है। प्लास्टिक रैप की जगह आप प्लेट में घी लगाकर उसके ऊपर भी काजू पेस्ट को रख सकते हैं। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ पिस्ता को डालकर इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। काजू रोल को और भी ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा येलो फूड कलर लिया है, यह पूरी तरह से ऑप्शनल है। बारीक पिस्ता की जगह आप अपने पसंद का ड्राई फ्रूट्स भी बारीक कट करके डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अगर काजू का जो मिक्सचर है वो हाथ में चिपकता है तो हम हाथ में थोड़ा सा घी या बटर लगा लेंगे, जिससे हमें मिलाने में आसानी होगी। ये देखिए फूड कलर और पिस्ता जो है अच्छे से मिल गया है। अब हम इसका एक रोल तैयार करेंगे। काजू का जो मिक्सचर है अभी भी हल्का सा गर्म है, तो इसे हम जल्दी जल्दी करेंगे। जैसे जैसे यह ठंडा होगा थोड़ा हार्ड होना शुरू हो जाएगा। काजू का जो मिक्सर है इसे मैंने स्क्वायर जैसा कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। आप चाहे तो इसे राउंड शेप में भी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए काजू का स्क्वायर रोल तैयार हो गया है। अब हम जल्दी से दूसरे पार्ट को भी लेंगे। अब हम काजू मिक्सर के दूसरे भाग को लेकर इसे हम प्लास्टिक रैप पर रखेंगे और बेलने की मदद से इसे हम बेल लेंगे। इसके ऊपर हम येलो रोल को रखकर एक बार हम चेक कर लेंगे और हम इसी के अनुसार ही पतला या मोटा बेल लेंगे। अब हम येलो मिक्सर को वाइट मिक्सर के ऊपर रखकर इसे हम अच्छे से कवर कर लेंगे, इस तरह से। चारों तरफ से हल्का सा दबाते हुए इसे हम अच्छे से कवर कर लेंगे। रोल तैयार हो गया है। अब हम एक बोल में कोकोनट पाउडर लेंगे और रोल को अच्छे से कोट कर लेंगे, इस तरह से। काजू रोल जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो गया है, तो इसके ऊपर कोकोनट पाउडर जो है वो अच्छे से कोट नहीं हो रहा है, तो मैंने इसके ऊपर हल्का सा पानी लगाकर फिर इसके बाद मैंने इसे रोल किया है, जिससे कि कोकोनट जो पाउडर है वो अच्छे से कोट हो गया है। अब हम काजू रोल को प्लास्टिक रैप में रैप करके इसे हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। काजू रोल जो है अच्छे से सेट हो गया है। अब हम चाकू की मदद से इससे हम अपने पसंद के अनुसार पतला या मोटा पीसेस निकाल लेंगे। काजू रोल को सेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट में यह तैयार हो जाता है। काजू रोल बनाते समय हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि काजू का जो मिक्सर है वो बहुत जल्दी ड्राई होने लगता है। मिक्सर जब पैन छोड़ने लगे तब हम हीट को ऑफ कर देंगे और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। हल्का सा गर्म रहने पर ही हम आसानी से यह मिठाई बना सकते हैं। ड्राई हो जाने पर इसे बनाने में दिक्कत हो सकती है और अच्छे से सेट नहीं हो पाती है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे।
ये देखिए हमारा काजू रोल तैयार है, इसे हम फ्रिज में रखकर 1 वीक तक आराम से खा सकते हैं। आप भी यह मिठाई एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिए और आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। और भी नई रेसिपी के लिए नीचे दिए हुए बटन को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।